नर्मदा न्यास अध्यक्ष और संत कंप्यूटर बाबा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बाबा ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश की जनता और संतों के साथ छल किया है। केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बाबा ने कहा कि ना तो 5 सालों में राम मंदिर बना, ना ही गंगा साफ हो सकी। अब देश भर में संत समाज मोदी के विरुद्ध प्रचार करेगा। वहीं कंप्यूटर बाबा ने खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए कहा कि वो देश भर में कांग्रेस का प्रचार करेंगे और राहुल गांधी कहते हैं तो चुनावी मैदान में उतरने को भी तैयार हैं। यदि माननीय राहुल गांधी कहेंगे तो बराबर हम लोग अमेठी और रायबरेली भर नहीं, पूरे देश में जाएंगे। देखिएगा चुनाव, अभी तक तो चुनाव का कोई हाल बेहाल है, चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, पर यदि माननीय राहुल गांधी जी कहेंगे, कमलनाथ जी कहेंगे भारत के किसी भी कोने से चुनाव लड़ने के लिए, तो कंप्यूटर बाबा तैयार है और भी संत तैयार है यदि वो चुनाव के लिए तैयार है।